साइक्लिक कॉर्ड जो कि एक लीनियर ब्लॉक कॉर्ड है, लास्ट टाइम हमने इसकी इक्वेशंस की थी इसके फर्स्ट पार्ट में, जो कॉर्ड्स क्या होते हैं जिनमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि कॉर्ड शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके एक नया कॉर्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमें लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि एक्सपी जो होता है इज इक्वल टू एमपी और जीपी के होगा, यानी एक्स वन पी होगा एम वन पी जीपी, एक्स टू पी होगा एम टू पी जीपी और एक्स थ्री पी होगा एम थ्री जीपी के। पी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है साइक्लिक कोड की कंडीशन को। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि n बिट कोड वेक्टर होते हैं हमारे पास, जिसे x से डिनोट किया जाता है, xn-1, xn-2, x1, x0, इस तरह से हम शो करते हैं उन्हें, ठीक है ना। और अगर इनकी पॉलिनोमियल, जो कि हम लास्ट टॉपिक में भी किया था, ये वही चीज है, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं तो pn-1, pn-2 ये आता है, p की पावर में ये फॉर्म्स आती हैं। हम चाहते हैं कोड वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, यानी x को रिप्रेजेंट करना। हमारे x जो होते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैसेज बिट से इज टू n-k यानी चेक बिट से, मैसेज बिट्स जो कि के होती है, चेक बिट्स जिसे कि सी से डिनोट किया जाता है, यानी कि क्यू, चेक बिट्स क्यू, क्यू से डिनोट किया जाता है, के मैसेज बिट्स से एम से शो करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैसेज बिट्स को, एम के माइनस वन जैसे ये लिखा था, एम के माइनस टू इसी तरह से, एम वन एम जीरो तक ऐसे ही, सी चेक बिट्स के लिए सी क्यू माइनस वन, एम के मैसेज बिट्स के लिए के लेते हैं, चेक बिट्स के लिए क्यू होता है, तो सी क्यू माइनस वन, सी क्यू माइनस टू, सी वन और सी जीरो, ये जो फॉर्म है इस तरह से इसको शो की जाती है। अगर हम इस फॉर्म को एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो क्या होगा, एक्सपी हो जाएगा, एम के माइनस वन है तो पॉलिनोमियल पी एन पावर एन माइनस वन, एम के माइनस टू के साथ पी पावर एन माइनस टू, एम वन के साथ पी एन माइनस के माइनस k प्लस वन, एम जीरो पी के माइनस वन, इस तरह से। और सेम चेक बिट्स के लिए सब में प्लस आ जाएगा पॉलिनोमियल फॉर्म में, सी क्यू माइनस वन की पी एन माइनस के माइनस वन प्लस सी क्यू माइनस टू पी एन माइनस के माइनस टू सी वन पी सी जीरो, इस फॉर्म में हम इसे देखेंगे। हम इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एन माइनस के इज इक्वल टू क्यू होता है, और अगर n माइनस के इज इक्वल टू क्यू है तो n इज इक्वल टू के प्लस क्यू हो जाएगा। इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू के प्लस क्यू है तो n की जगह के प्लस क्यू लिख देंगे, n की जगह के प्लस क्यू, और यहाँ पे n माइनस के की जगह n माइनस के इज इक्वल टू क्यू के है तो ये क्यू, n माइनस के इज इक्वल टू क्यू, n माइनस के इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज आई है, अब इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, यानी कि इस सब में देखिए पी क्यू कॉमन है तो यहां से हम पी क्यू बाहर ले लेंगे, हमने यहां से पी क्यू को बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, एम के माइनस वन पी के माइनस वन, क्योंकि पी क्यू बाहर चला गया, एम के माइनस टू पी के माइनस टू ये आ गया, प्लस एम वन पी क्योंकि पी क्यू बाहर आ गया, प्लस एम जीरो ये बचा है ना हमारे पास। और ये जो फॉर्म होती है सारी, ये वाली फॉर्म एम के माइनस वन पी के, ये जो फॉर्म होती है ये हमारी मैसेज जो होती है हमारे उसकी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, जो कि एम पी से जिसे डिनोट करती है। सेम ऐसे ही चेक बिट्स की भी होगी जिसे सी पी से डिनोट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स पी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको एम पी लिख दिया और इसको सी पी लिख दिया, चेक बिट्स की पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी xp इज इक्वल टू p रेज टू पावर qmp प्लस cp, p पॉलिनोमियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हमारे, ये हमारा सिस्टमैटिक फॉर्म है, ये जो फॉर्म आई है ना ये हमारी सिस्टमैटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें देखिए कि जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि xp is equal to mp into gp के होगा, g जो कि जनरेटर मैट्रिक्स, gp जनरेटर फॉर्म फॉर शो करती है पॉलिनोमियल फॉर्म, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
पी क्यू एम पी प्लस सी पी इज इक्वल टू एम पी इंटू जी पी, इस तरह लिख सकते हैं। अब जी एम पी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे चला गया, पी क्यू एम पी अपॉन जी पी एक्सोर सी पी अपॉन जी पी इज इक्वल टू एम पी, ये नीचे चला गया है, डिवाइड हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब मोड टू एडिशन होती है उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम रिजल्ट होता है, यानी जेड एक्सोर टी, अगर कोई भी जेड वैल्यू है और टी वैल्यू है तो वो एल के इक्वल होगी, टी एक्सोर एल जो कि जेड के इक्वल होगी, और z xor t xor l is equal to 0 के इक्वल होगी। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने इसमें cp की जगह p raised to power q mp वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन क्या आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, सेम ऐसे ही ये क्या है हमारा कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जैसे कि हम मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखते हैं 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 3, ये 14 अपॉन 3 को ही रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, जबकि इसमें ये न्यूमिनेटर होता है और 3 डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। ये जो है ये हमारी चेक बिट्स पॉलिनोमियल ऑब्टेन होती है, इसमें क्या होता है कि जब हम चेक बिट देखते हैं, चेक बिट जो कि रिमाइंडर होती है और यानी एज अ रिमाइंडर, और इसमें पी क्यू एम पी अपॉन जी पी के ये इक्वल होगी, यानी सी पी चेक बिट इज इक्वल टू होगी आर ई एम पी रेज़्ड टू पावर क्यू एम पी अपॉन जी पी। सी पी इसमें चेक बिट है जो कि पॉलिनोमियल से जो हमारी सिस्टमेटिक कोड है उसे रिप्रेजेंट करेगी, MP जो कि मैसेज बिट पॉलिनोमियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, और GP जो कि जनरेटिंग पॉलिनोमियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, यही हमारे साइक्लिक कोड होते हैं। नेक्स्ट टाइम इसका एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।